हेलो, मैं सरवीर सिंह। कल दोस्तों मैंने पढ़ाया था मेंडल का मोनो हाइब्रिड क्रॉस एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस। इसके बाद भी 12th में क्या आता है? ब्लड ग्रुप। रुधिर वर्ग की बात करते हैं तो ब्लड ग्रुप, सबसे पहले ब्लड ग्रुप के विषय में किसने दर्शाया था? एक साइंटिस्ट था जिसे कहते हैं कार्ल लैंडस्टीन। कार्ल लैंडस्टीनर ने 1902 में ब्लड ग्रुप के विषय में बताया था। क्या बताया था? ह्यूमन बीइंग्स के अंदर 4 टाइप्स के ब्लड ग्रुप होते हैं, किंतु एक पर्सन के अंदर केवल एक ही प्रकार का ब्लड ग्रुप होता है। सभी के अंदर अलग-अलग ब्लड ग्रुप होते हैं। कौन कौन से ब्लड ग्रुप होते हैं? ब्लड ग्रुप ए, बी, एबी और ओ। चार प्रकार के ब्लड ग्रुप ह्यूमन बींग्स के अंदर पाए जाते हैं। इस ब्लड ग्रुप के अंदर एंटीजन एंड एंटीबॉडीज भी पाई जाती है। ब्लड ग्रुप ए के अंदर एंटीजन ए होती है, ब्लड ग्रुप बी के अंदर एंटीजन बी होती है, ए बी ब्लड ग्रुप के अंदर एंटीजन ए एंड बी होती है, ओ ब्लड ग्रुप के अंदर एंटीजन एब्सेंट होती है। ये एंटीजन कहां से आती है? एंटीजन ब्लड के अंदर आरबीसीएस सेल्स होती है। उस आरबीसीएस सेल्स के अंदर सेल वॉल होती है, उसमें विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है जिसे एंटीजन कहते हैं। जिसे क्या बोलते हैं? एंटीजन कहते हैं। अब एंटीबॉडीज कहां से आ गई? ब्लड में या जो ब्लड का प्लाज्मा होता है जिसे सीरम भी कहते हैं, उस प्लाज्मा के अंदर भी एक विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है जिसे एंटीबॉडीज कहते हैं। ह्यूमन बीइंग्स के ब्लड के अंदर पाई जाती हैं और ये एंटीजन और एंटीबॉडीज। एंटीजन भी ब्लड ग्रुप के अंदर 2 टाइप्स की होती हैं, एंटीजन ए एंड बी। ह्यूमन बीइंग्स के ब्लड के अंदर एंटीबॉडीज भी 2 टाइप्स की होती हैं, एंटीजन एंटीबॉडीज ए एंड एंटीबॉडीज बी। किस तरीके से? अब बात करते हैं ब्लड ग्रुप में किस तरीके से ब्लड का आदान प्रदान होता है। मान लीजिए ब्लड ग्रुप इधर भी ए बी, ए बी और ओ, दूसरी तरफ भी इसी तरीके से राइट कर लेते हैं, ए बी, ए बी एंड ओ। हमें आपको अच्छी तरीके से मालूम है कि ओ क्या है। ओ ब्लड ग्रुप एक सर्वदाता है, सभी को दे सकता है अपना ब्लड। क्यों? क्या उसका रीजन है? उसका मुख्य रीजन क्या है? जो ब्लड ग्रुप ओ है उसके पास में एंटीजन अब्सेंट होती है, लेकिन एंटीबॉडीज उसके पास में दोनों ही होती है, ए भी होती है और बी भी पाई जाती है। यही उसका मुख्य रीजन है। इसी वजह से जो ब्लड ग्रुप ओ होता है सभी को ब्लड दे सकता है। वो क्या हो गया? सर्वदाता हो। इसे भी अपना ही ब्लड दे रहा है, इसे भी दे रहा है, इसे भी दे रहा है और इसे भी दे रहा है। ये क्या हो गया? सर्वदाता हो गया। इसी तरीके से जो एबी ब्लड ग्रुप है, आप ये भी जानते हैं, जो एबी ब्लड ग्रुप है इसे सर्वग्राही भी कहा जाता है। आप ये भी जानते हैं कि एबी जो ब्लड ग्रुप है वो सर्वग्राही है। वो क्यों है सर्वग्राही? क्योंकि एबी के पास में दोनों प्रकार की एंटीजन होती हैं, ए भी होती है और बी भी पाई जाती है। ए और बी दोनों प्रकार की एंटीजन होने की वजह से ये सर्वग्राही है। अब देखिए, ये ए
एबी ब्लड ग्रुप का यहां पर सेंस क्या हुआ कि ये सभी का ब्लड ले सकता है, इसीलिए इसे सर्वलाइन कहते हैं। अगर मान लीजिए किसी पेशेंट का ब्लड ग्रुप एक ए पेशेंट है, दूसरा मान लीजिए एक बी ब्लड ग्रुप वाला पेशेंट है, अगर उसके ब्लड का आदान प्रदान करते हैं तो क्या होगा? आदान प्रदान करने से जो एंटीजन होती हैं, एंटीबॉडीज होती हैं, ये कणिकाएं आपस में चिपक जाएंगी, जिसका जो ब्लड सर्कुलेशन होगा वो क्लोज हो जाएगा, ऐसी कंडीशन में पेशेंट की डेथ हो जाएगी। इसीलिए एंटीजन एंड एंटीबॉडीज के आधार पर उसके ब्लड ग्रुप को दिया जाता है। अब बात करते हैं एंटीजन का एंड एंटीबॉडीज का वितरण किस तरीके से करते हैं, उसका चार्ट देखिए। ब्लड ग्रुप एंटीजन एंटीबॉडीज, ब्लड ग्रुप ए बी ए बी और ओ। ए के पास में कौन सी एंटीजन होती है? ए एंटीजन है। बी के पास में बी एंटीजन है। ए बी के पास में ए एंड बी एंटीजन है। ओ के पास में एंटीजन एब्सेंट। अब एंटीबॉडीज कौन सी है, इसके लिए क्या करते हैं? क्रॉस लगा लेते हैं, मल्टीप्लाई का निशान लगाते हैं, जिससे आपको लर्न भी बना रहेगा। इस तरीके से अब ब्लड ग्रुप ए के पास में कौन सी एंटीबॉडीज है? अब देखिए ये एरो स्टार है, यानी बी एंटीबॉडीज है ए ब्लड ग्रुप के पास में, बी ब्लड ग्रुप के पास में ए एंटीबॉडीज है, ए बी ब्लड ग्रुप के पास में कौन सी एंटीबॉडीज है? लिखा है एरो आ रहा है एब्सेंट, एब्सेंट। ओ के पास में ए एंड बी, ए एंड बी। अब सिंबल मिटा लेते हैं इस तरीके से। इस तरीके से सिंबल को मिटा लिया गया। अब आप बता सकते हैं कि जो ब्लड ग्रुप का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसका वितरण होता है, वो एंटीजन एंड एंटीबॉडीज के आधार पर होता है। तो इसी तरीके से रुधिर वर्ग की वंशा गति, मान लीजिए ऐसे पेरेंट्स जिनके अंदर ए ब्लड ग्रुप है तथा दूसरे के अंदर बी ब्लड ग्रुप है, अगर इनके बीच में क्रॉस करा दिया जाए तो उनकी जनरेशन का ब्लड ग्रुप क्या आएगा? पॉसिबल है क्या? मान लीजिए मदर का ब्लड ग्रुप ए है, फादर का ब्लड ग्रुप बी है। अब इन दोनों का अगर हम क्रॉस कराते हैं तो इसकी जनरेशन में कैसा ब्लड ग्रुप आएगा? देखिए एलील्स बनाने के लिए एक सिंबल ले लेते हैं, चाहे तो आई सिंबल ले सकते हैं, चाहे एल सिंबल ले सकते हैं, एज यू लाइक, अपनी इच्छा के अनुसार। तो किस तरीके से इसका क्रॉस कराते हैं, एक सिंबल मैंने एल ले लिया। अब यहां पर ब्लड ग्रुप कौन सा है? ए है। ए ब्लड ग्रुप में एंटीजन कौन सी होती है? एंटीजन ए पाई जाती है, तो यहां पर ए लिख लेते हैं। एक सिंबल और लेते हैं एलील्स बनाने के लिए, एक पेयर बन गया है। यहां पर एंटीजन केवल एक ही होती है, इसीलिए एक के ऊपर ए आ गया है और दूसरे पर एंटीजन एक है, क्योंकि ये खाली रहेगा इसलिए यहां पर ओ लगा लिया, क्योंकि ओ के पास में एंटीजन एब्सेंट होती है, या यहां पर एब्सेंट लिख दिया। ठीक है, एक तो पेयर ये बन गया। इसी तरीके से फादर के अंदर भी एल एल, ये एलील्स ले लिए। ब्लड ग्रुप बी के अंदर एंटीजन कौन सी होती है? बी होती है, तो यहां पर बी ले लिया और यहां पर एब्सेंट लगा लिया।
करवाता है। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, ये एलील्स को सेपरेट कर लेते हैं, एल ए अलग कर लिया, एल एब्सेंट या ओ लगा सकते हैं, इसे सेपरेट कर लिया। इसी तरीके से इधर भी एल वी और एल यहां पर भी एब्सेंट या ओ लगा सकते हैं, ठीक है। अब इसका क्लास एक बार इससे होना है, एक बार इससे इसका क्लास होना है। देखिए इसका क्लास इससे कराया एक बार। सबसे पहले हम यहां पर क्या लिखेंगे, वी एल अपसेट। इसी तरीके से इसका भी क्लास इससे भी कराना है हमें, एल अपसेंट या वो मान सकते हैं यहां पर, ठीक है। इसी तरीके से इस एलिस का क्लास एक बार इससे होगा, एक बार इससे होगा, ए बी फिर इसका क्लास एक बार इससे हुआ, ए एब्सेंट। अब ये देख रहे हैं कि फोर जनरेशन आ गई। अब इन चारों जनरेशन के अंदर ब्लड ग्रुप कैसा होगा, देखिए यहां पर क्या मिल रहा है हमें, एंटीजन ए एंड बी मिल रही है, तो यहां पर ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, ए एंड बी, जहां पर एंटीजन मिलती है वहां पर ब्लड ग्रुप ए बी होगा। ये जनरेशन ए बी ब्लड ग्रुप वाली होगी, ये डेफिनेट है, ये श्योर है। और इस जनरेशन में हमें ब्लड ग्रुप ए मिला है और दूसरी जगह पर एब्सेंट है, तो ये जनरेशन ए ब्लड ग्रुप वाली तो होगी लेकिन कंफर्म नहीं है, ओ ब्लड ग्रुप वाली भी हो सकती है। 50-50% इसके चांस होते हैं कि ये जनरेशन ए ब्लड ग्रुप वाली भी होगी और ओ ब्लड ग्रुप वाली भी हो सकती है, 100% ऐसा नहीं है। इसी तरीके से यहां पर भी, यहां पर एंटीजन हमें क्या मिली है, बी मिली है, बी ब्लड ग्रुप यहां पर मिलेगा लेकिन श्योर नहीं है ये भी। यहां पर भी एक, यहां पर भी एंटीजन अब्सेंट है दूसरे एलील्स पर, तो यहां पर भी ब्लड ग्रुप बी हो सकता है लेकिन ओ भी हो सकता है। अब यहां पर जो फोर्थ जनरेशन है, चौथी जनरेशन है, यहां पर दोनों जगह पर एंटीजन अब्सेंट है, तो अब्सेंट एंटीजन किसके अंदर होती है, ओ ब्लड ग्रुप के अंदर होती है, तो ओ ब्लड ग्रुप जो है यहां पर आएगा, ये श्योर है, निश्चित है, डेफिनेट है। तो इस तरीके से ब्लड ग्रुप की जो वंशागति है, आगे भी आप पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे आप सब्सक्राइब भी करिए और बेल आइकन का भी बटन दबाइए। थैंक यू।